fingers stained with blood. Been grasping all day, losing my touch with reality. Driving all day. छत्तीसगढ़ संगवारियों, कैसे आप सब, सभी स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राहुल जोगी ब्लॉग्स में। आज हम आप लोग को लेके आए रायपुर के माना में श्रुति मूर्ति कला केंद्र में आए हैं। यहाँ पे भी कलरिंग का काम चालू हो गया है, चल के दिखाते हैं आप लोग को अंदर कैसा कैसा कलरिंग का काम चल रहा है। श्रुति मूर्ति कला केंद्र और रोड में ही आप लोग को दिख जाएगा आओगे तो। और यहाँ पे अभी व्हाइट पुट्टी का काम चल रहा है। जितने मूर्ति ना अंदर में कलरिंग का काम हो चुका है, इधर साइड में व्हाइट पुट्टी हो रहा है, तो एक दो दिन में कलरिंग हो जाएगा इसमें पूरा कंप्लीट। अरे मूर्ति कितना अच्छा लग रहा है, देखो त्रिशूल है और दुर्गा माता बैठी हुई है और इधर बाजू में पेड़ टाइप का भी बनाया गया है। देखो ये 15 फीट का मूर्ति है। इतना बड़ा मूर्ति देख लो 15 फीट का। मूर्ति का भी कुछ 15 फीट का मूर्ति है ये वाला भी। बाकी फोन में तो आ नहीं रहा क्योंकि बहुत बड़ा मूर्ति है। इधर साइड के मूर्ति में देख लो कलरिंग का काम चालू है। दुर्गा माता को देखो ऊपर त्रिशूल बना है 3 और बारीकी से कलरिंग का काम एकदम स्टार्ट है। अंदर का मूर्ति है ना उसमें कलरिंग का काम हो गया है तो उसको ले जाके दिखाएंगे। पहले इधर साइड का मूर्ति को दिखा देते हैं आप लोग को। तो 9 दुर्गा ये पूरा 9 दुर्गा है। ये वाला भी मूर्ति चेक करो यार, क्या मूर्ति बन रही है वाला भी। ये भी 9 दुर्गा है पूरा। चलो अब आप लोग को अंदर लेके चलते हैं और अंदर से भी दिखाते हैं मूर्तियां। कलरिंग का काम चालू हो चुका है, उसका काम बचा हुआ है। कुछ कुछ मूर्तियों में आंख का भी काम हो चुका है, जैसे कि ये देख लो ये वाले मूर्ति में भी कलरिंग का काम चल रहा है। और ये वाला मूर्ति भी देखो, इसमें अभी श्रृंगार का काम बचा है, बाकी साड़ी पहना दिए हैं और श्रृंगार का काम बचा है। आँख का भी काम हो चुका है इसमें और मूर्ति देखो यार तो मस्त लग रहा है। और ये वाला मूर्ति चेक करो फ्रेंड्स, क्या मूर्ति है। जब कलरिंग का काम नहीं हुआ था ना तब ला के दिखाया था, अब बस श्रृंगार का काम बचा हुआ है। बाकी मूर्ति देखो यार, दुर्गा मूर्ति क्या बनाया गया यार मूर्ति। ये वाला भी मूर्ति चेक करो, जितना भी मूर्ति देख रहे हो ना सब में कलरिंग का काम हो चुका है। साड़ी पहना दिए हैं बट अभी श्रृंगारिंग का काम बस बचा हुआ है।
नीचे शिवलिंग है। बस इसमें आंख का काम बचा हुआ है, जैसा कि आप लोगों को दिखा देता हूँ, देख लो इसमें आंख का काम बचा हुआ है और श्रृंगार का काम बचा हुआ है। बाकी जो साड़ी वाड़ी पहना के पूरा पहना चुके हैं, बस श्रृंगार का काम बचा हुआ है। क्या मस्त लग रहा है वाला मूर्ति, ऊपर शिव जी है, देख लो नीचे दुर्गा माता है। क्या बनाया गया यार वाला मूर्ति, श्रृंगार होने के बाद मूर्ति क्या मस्त लगेगा ना। दुर्गा माता का जो फेस है, इतना सारा फेस बनाया गया है, 24 से 25 फेसेस बनाया गया दुर्गा माता का, देख सकते हैं आप लोग क्या मूर्ति मस्त लग रहा है। 6 फेसेस बनाए गए हैं माता का, देख लो कितना मस्त लग रहा है। और ऊपर देख लो, अरे मूर्ति कहाँ जा रहा है दोस्त, ये मूर्ति रायपुर में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। चेक करो मूर्ति का, पूरा आँख वाँख बना के सब रेडी कर दिए, कलरिंग वलरिंग का काम। दिखाते हैं आप लोग को इधर साइड, छोटा 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 मूर्ति है, बाकी इसमें भी अभी श्रृंगार का काम कंप्लीट हुआ नहीं है। और ये वाले दुर्गा मूर्ति में देखो शिवलिंग है, तो अभी साइड का मूर्ति दिखाते हैं। ये वाला मूर्ति देखो यार कितना मस्त लग रहा है, ऊपर दुर्गा माँ बैठी, बाजू में शेर बनाया गया और नीचे जो एलिफेंट है ना उनका सूंड बनाया गया, देखो कितना मस्त लग रहा है वाला मूर्ति। आप लोगों को दिखा दिए हैं श्रुति मूर्ति कला केंद्र का दुर्गा मूर्ति, और अभी कलरिंग का काम हो गया है, डेकोरेशन का काम बचा हुआ है, साड़ी वाड़ी पहनाने का सब काम हो चुका है। चलते हैं, ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन बताइएगा। आज को लोग यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।